मुन्ना त्रिपाठी, किंग ऑफ मिर्जापुर। हिंदी फिल्म के हीरो हैं भाई हम, हमें कोई नहीं मार सकता, हम अमर। ये कहानी है मिर्जापुर की और ये है गुड्डू पंडित, किंग ऑफ मिर्जापुर। लेकिन इनको किंग नहीं बनना था, इनको तो बनना था मिस्टर पूर्वांचल। इस साल मिस्टर पूर्वांचल हम ही बनेंगे। 51,000 नाम है, कालीन भैया स्पॉन्सर है, अपने हाथों से ट्रॉफी देंगे हमको, फिर फोटो होर्डिंग पे डाल के खोलेंगे गुड्डू जिम। लेकिन आज ये मिर्जापुर के किंग बन गए। मिर्जापुर की वो रात जब मुन्ना त्रिपाठी गुड्डू के घर में उनके बाप का कॉलर पकड़ते हैं। कहाँ है, कहाँ यहाँ है, बैठी बैठी बैठी। और ये पहली बार था जब मिर्जापुर के प्रिंस को कोई कुत्ते की तरह मार रहा था। और ये गुड्डू भैया के लिए पहला मौका था जिसने उनको कालीन भैया के सामने ला खड़ा कर दिया। जी, अगर आप हमारी जगह होते तो शायद आप भी वही करते जो हम किए। दोबारा करेंगे, हम दोबारा मारेंगे। हम घुमा रोगे दुश्मन के घर में खड़े होकर शेर की तरह दहाड़ना, वो कालीन भैया गुड्डू और बबलू की आंखों में देख चुके थे। हर बार बचा पाओगे वकील साहब को, मुन्ना अगली बार आपके निवास पे पहुंचे और आप नहीं हुए, रिस्क है। अगली बार मुन्ना भैया घर आए जिंदा वापस ही नहीं लौटे तो रिस्क तो वहां भी है कालीन भैया। घर में सम्मान के साथ साथ मिर्जापुर पे राज करने का मौका अब गुड्डू और बबलू को मिल चुका था और गुड्डू को करना था मिर्जापुर पे राज। मिर्जापुर की गांड फाड़ के रख देंगे। और वो एक दिन जिसने गुड्डू को गुड्डू भैया बना दिया। क्या है ना, जौनपुर से कोई भी कनेक्शन मंजूर नहीं है। दिन हो चाहे रात, मिस्टर पूर्वांचल बनने की मेहनत के साथ साथ मिर्जापुर में गुड्डू भैया के जलवे भी शुरू हो चुके थे। उनका डर पूरे शहर में आग की तरह फैलने लगा था। और जिस तरह गुड्डू भैया ने पूरे मिर्जापुर के साथ साथ आसपास के राज्य में कालीन भैया के व्यापार को ऐसा बढ़ाया, फिर चाहे वो छोटा व्यापारी से लेकर छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, सबके हाथ में कट्टे नजर आने लगे थे। और देखते ही देखते गुड्डू और बबलू ने कालीन भैया के काम को चार चांद लगा दिए थे। और फिर वो दिन आया। दो पहिए से चार पहिए पे आ गए, अब रौंद देंगे मिर्जापुर को। कहते हैं ना कि मोहब्बत बड़ी कुत्ती चीज है, और जब वो आपके मालिक के दुश्मन से हो जाए तो फिर बात ही क्या। जब बबलू ने मुन्ना भैया के आदमियों को मारा और अपनी मोहब्बत के लिए उनपे बंदूक तान दी, और फिर क्या था, मुन्ना त्रिपाठी का गुस्सा, उसने गुड्डू और बबलू की बहन को उठा लिया। और ये हरकत गुड्डू के दिमाग में कुछ इस तरीके से बैठ गई थी, कालीन भैया घर बुलाए। कि गुड्डू का बस चले तो वो सरेआम मुन्ना भैया को इस चौक पे ही जान से मार दे। मुन्ना त्रिपाठी पे कालीन भैया के सामने बंदूक तान देना, हमारे खिलाफ इलेक्शन में कन्वेंसिंग कर रहे हैं ये दोनों, और अब ये मत भूलिएगा इससे भी आपके व्यापार में कुछ फायदा होता है। कहीं ना कहीं ये दिखा रहा था कि गुड्डू अब दबके रहने वालों में से नहीं है। हम चाहे माँ की गाली दें चाहे बहन की। रतिशंकर को उसके घर में घुसकर मारा गुड्डू ने, और इस खबर ने पूरे जौनपुर में हड़कंप मचा दिया। और कालीन भैया को अंदाजा लग चुका था कि गुड्डू अब उनके कंट्रोल से बाहर है। तो हर डिसीजन के पहले पूछना जरूरी है। और गुड्डू को लगा था कि मिस्टर पूर्वांचल वही बनने वाले हैं, लेकिन मुन्ना त्रिपाठी ने जिस तरीके से गुड्डू के लिए चाल चली वो अब गुड्डू के लिए बहुत खतरनाक होने वाली थी। कालीन भैया ने मुन्ना त्रिपाठी को गुड्डू और बबलू को खत्म करने का काम सौंप दिया। और फिर क्या था, मुन्ना त्रिपाठी खुलेआम बंदूक लेकर गुड्डू और बबलू को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। और ये पहली बार था जब वो खुद को किंग ऑफ मिर्जापुर समझ रहे थे। जान लेनी गुड्डू और बबलू। और वो गुड्डू की आंखों के सामने उनके भाई को, स्वीटी को, सबको जान से मार देता है। लेकिन कहीं ना कहीं गुड्डू, गोलू और उनकी बहन बच जाती है। और फिर जन्म होता है एक नए गुड्डू का, गुड्डू भैया का। गुड्डू अभी जिंदा है।
गुड्डू ने वापस आते ही पुलिस वालों के साथ तालमेल बिठाना शुरू कर दिया। गुड्डू इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि अगर उसको मिर्जापुर पे राज करना है तो उसको पुलिस को अपने कंट्रोल में करना होगा और कहीं ना कहीं उसको अपने शरीर की ताकत के साथ दिमाग की ताकत का इस्तेमाल करना होगा। जिसमें उनकी मदद कर रही थी बीना भाभी, जो कि आने वाले समय में खुद मिर्जापुर की गद्दी में बैठना चाहती हैं। गुड्डू ने कालीन भैया के एक एक व्यापार को जलाना शुरू कर दिया क्योंकि वो जानता था कि अगर मिर्जापुर पे राज करना है तो कालीन भैया को दिमागी तौर पर मारना जरूरी है। वहां मुन्ना त्रिपाठी ने बाबर को और मकबूल की माँ को जान से मार दिया, जिसका दुख इस बार मकबूल को बहुत ज्यादा हुआ कि उसकी ईमानदारी का इनाम उसकी माँ की मौत के रूप में दिया और मकबूल की मां का बदला बीना ने बाबूजी को जान से मार कर लिया। और पहली बार मुन्ना त्रिपाठी कालीन भैया से गद्दी के लिए लड़ते हुए दिखाई दिए। और आप भी जो इतना बाऊजी बाऊजी कर रहे हैं ना, आप नहीं कर रहे होते अगर वो आपकी तरह कुंडली मार के बैठे होते गद्दी पे। और तब कालीन भैया को लगा कि उनकी दूसरी संतान उनकी बात को समझेगी, शायद उन पे विश्वास जता पाए। सही सोचा। और बीना समझ चुकी थी कि ये सही वक्त है कालीन भैया और उसके परिवार को खत्म करने का। वो इस चीज की खबर गुड्डू भैया को देती है और गुड्डू भैया अपने आदमियों के साथ कालीन भैया को मारने के लिए निकल पड़ता है। और दूसरी तरफ मुन्ना त्रिपाठी भी अपने बाप को मारने के लिए आ जाता है क्योंकि मुन्ना त्रिपाठी को लगता है कि कालीन भैया नहीं चाहते कि वो किंग ऑफ मिर्जापुर बने। लेकिन मुन्ना त्रिपाठी कालीन भैया को गोली नहीं मार पाता और तब कालीन भैया मुन्ना त्रिपाठी को कहते हैं कि आज से तुम हो मुन्ना त्रिपाठी किंग ऑफ मिर्जापुर। और उसके बाद गुड्डू और गोलू कालीन भैया और मुन्ना त्रिपाठी पे गोलियों की बौछार कर देते हैं और पहली बार कालीन भैया अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मरता हुआ देख रहे थे, जिसको बचाने के लिए वो मुन्ना त्रिपाठी को निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज का दिन गुड्डू भैया का था, आज वो कालीन भैया और मुन्ना त्रिपाठी को मारकर मिर्जापुर की गद्दी पे बैठने वाले थे और कहीं ना कहीं मुन्ना त्रिपाठी की मौत उनके सर पर खड़ी थी। और आज वो दिन था जब गुड्डू भैया अपने भाई बबलू और स्वीटी का बदला लेने वाले थे।